गुड गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण बात होती है इफेक्टिव डिलीवरी। अब जनधन अकाउंट की यहां चर्चा हो रही है, हमारे माननीय विपक्ष नेता जी ने भोपाल के अच्छे उदाहरण दिए। मैं गुलाम नबी जी का बहुत आभारी हूं कि जो एक विपक्ष ने करना चाहिए वैसा सटीक काम उन्होंने किया। भोपाल जिले में किस गांव में कौन जनधन अकाउंट से रह गया है और उसका रिकॉर्डिंग तक करके ले आए। होना यही चाहिए, तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी। और ये सदन के सदस्यों का यही काम होता है। ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है, और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य के चर्चा नहीं करता। मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूं, क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आती है और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की। सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेड़ी, बाल की खाल उधेड़ी। लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा, मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले। लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत कर मेरे जिम्मे ना। आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारे करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल दें, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां चल रही, जो लोग सरकार में रहे उनको मालूम है, हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें करना चाहिए। हमारे सीताराम जी ने एक विषय छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि ये टारगेटेड सब्सिडी के नाम पर आप सब्सिडी कम कर रहे हो। वैसे वो उनके नेचर का विषय नहीं है, लेकिन क्यों बोल दिया मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन है, उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, जबकि उनका कोई उपयोग उनको नहीं था। कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था, शायद उनको उपयोग होगा। 30 लाख लीटर केरोसिन। हमने सोचा कि भाई जरा हम जाम योजना को लागू करें, सर्वे किया, आधार का उपयोग किया, गैस कनेक्शन का डाटा इकट्ठा किया। कुछ परिवार रह गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो हमने एक अभियान चलाया है, आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि जाता था और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में चला जाता था, मुड़ीपतियों के पास चला जाता था, ये पूंजीपति लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डीजल में मिक्स करते थे, एनवायरमेंट को बर्बाद करते थे। ये टारगेटेड सब्सिडी का परिणाम ये है कि ये जो धन्ना सेठ या पूंजीपति के लोगों के हाथ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, बहुत एक तो बंद हो गया, बाकी भी अब बंद हो जाएगा। और इसके कारण देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी, देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी। तीसरा देश को इंपोर्ट करने में भी राहत मिल जाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के संबंध में सब्सिडी
सही व्यक्ति को मिले, नियम में जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में हमारा एक प्रयास है। ये रुपये बचाने का खेल नहीं है, एक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं, लीकेजेज बंद करने की, दलालों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है। उसमें भी कुछ कमियां हैं तो ठीक करनी है, और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से कोई जानकारी मिलेगी तो उसको ठीक करने में सुविधा बढ़ेगी। तो मैं निमंत्रित कर देता हूं सबको कि ऐसी कोई बात ध्यान में आए तो जरूर सरकार के ध्यान में लाइए ताकि हम इसको कर पाएंगे।